गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, टाइनी टॉट पब्लिक स्कूल के डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका जैन, आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर रीड किया था हिंदी का जो है वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर रीड किया था, कंप्लीट कर लिया उसको। और आप लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ही कम्प्लीट कर लिए होंगे। आज हम लोग तीसरा चैप्टर रीड करेंगे। तीसरा चैप्टर है अपनी वस्तु। पहले पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने आपसी प्रेम व भाईचारे के बारे में बताया है। इसमें लेखक ने क्या बताया इस पाठ में कि आपसी प्रेम और भाईचारा, ठीक है। एक महात्मा किस प्रकार दो भाइयों के झगड़े को शांति व संयम से दूर करके उन्हें प्रेम से साथ में रहने का सबक सिखाते, उन्हें अपनेपन, प्रेम, अच्छे कर्म करने का महत्व भी समझाया। उन्हें क्या क्या है, जो अपनापन है, प्रेम है, अच्छे कर्म करने के लिए जो है वो उसका महत्व भी समझाया है। अब हम देख पाठ रीड करेंगे। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊँची आवाज़ में बोलते सुना। महात्मा जो थे वो कहीं जा रहे थे और उन्होंने बीच में क्या है, दो व्यक्तियों को आवाज़ मतलब बातें करते मतलब ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना। यानी लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो ना, वैसी आवाज़ में उनको सुना। दोनों ही हाथ में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उत्तेजित दिखाई देते थे। एक कहता था कि ये भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बता रहा था। मतलब दोनों ही भाई क्या एक दूसरे को मतलब एक भूमि है उसके लिए लड़ रहे थे। एक कहता था कि ये मेरी भूमि है, मैं इसका स्वामी हूँ। दूसरा कहता है कि ये मेरी भूमि है और अपना अपना उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जताने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। क्या कह रहे थे, उस भूमि पर अपना क्या है स्वामित्व, मतलब अपना अधिकार बताते हुए कि दोनों ही क्या है क्रोध, मतलब दोनों ही क्रोधित दिख रहे थे, लाल पीले हो रहे थे और अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। एक कहता था कि ये मेरा है, दूसरा कहता है ये मेरी भूमि है। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। संत महात्मा तो कैसे होते हैं, स्वभाव से दयालु, परोपकारी यानी दूसरों का भलाई करने वाले, परोपकारी मीन्स दूसरों की भलाई करने वाले होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए। उन्होंने क्या मन ही मन विचार किया कि जो दोनों भाई हैं दोनों ही व्यर्थ में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और अपने प्राण गंवाने के लिए तुले हुए हैं। अतः इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। अब जो महात्मा जी थे वो कहाँ गए, महात्मा जी उन दोनों भाइयों के पास गए और बोले कि हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो, ठीक है। फिर महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मा जी जो हैं उनको देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं, हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। महात्मा जी को क्या बोला कि महात्मा, ये हम दोनों क्या हैं भाई और हमारे पिता ने क्या है मरते समय अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था, उनके अनुसार ये जो भूमि है वो उसका मालिक, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ इसे अपनी बतलाकर मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। मतलब दोनों भाई क्या कर रहे थे, एक बोल रहा था कि ये मेरे हिस्से में आ रही है, दूसरा बोल रहा था कि ये मेरे हिस्से में, मैं इसका मालिक हूँ। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। महात्मा जी ने क्या कहा कि तुम दोनों अपने इस भूमि को जो अपना अपना बोल रहे हो, अपने अपने पक्ष में दलील दे, इसका निर्णय कभी ऐसे कभी भी इसका निर्णय नहीं हो सकता है, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उससे ही बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। यानी महात्मा जी ने क्या कहा, अब भूमि से ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है, तुम हो या तुम्हारा भाई, वह स्वयं इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ वो पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे। कुछ पल तक तो क्या है, जो भाई थे वो दोनों ही महात्मा जी की ओर देख रहे थे। फिर बोले, किंतु यह कैसे समय, भूमि भी कभी बोलती है,
भाइयों ने क्या बोला कि भूमि कभी बोलती है क्या? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं, किंतु यह बताओ कि भूमि जो अभी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? महात्मा जी ने क्या कहा, मैं तो सुन सकता हूँ, अवश्य बोलती हैं, लेकिन तुम लोग उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते हो। मैं सुन सकता हूँ, लेकिन एक बात ये बताओ कि अगर ये जो भूमि है वो जो निर्णय देगी तुम लोग उसको मानोगे? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। दोनों भाई क्या हैं, इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन करवाओ। महात्मा जी ने क्या बोला, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मुझे पहले भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। यानी वो क्या बोले कि जो भूमि का पहले निर्णय कर लो फिर हम आपको भरपेट खाना खिला देंगे, डटकर में भरपेट खाना खिला देंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भाग्य थोड़े ही जा रहा है। महात्मा जी ने क्या कहा, भूमि का तो निर्णय हो जाएगा, वह कहीं भाग्य थोड़े नहीं जा रहा है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों को क्या क्या, अपने घर से भोजन ले आओ और हम यहीं बैठे हैं, और महात्मा जी क्या एक पेड़ की छाया में वहीं बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के तीन भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। दोनों भाई जो है वो अपने घर से भोजन लेकर आए और दोनों को लेकर आ गए। महात्मा जी ने क्या है तीन हिस्से किए और दोनों को भी भोजन करने के लिए कहा। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। यानी भोजन और बातों में क्या है 2 घंटे बीत। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और वहाँ भी यही। यानी उन दोनों का क्रोध कम करने के लिए क्या किया उन्होंने कि मेरे को जोर से भूख लग गई, मेरे लिए भोजन लेकर आओ, फिर इसका निर्णय कर देंगे। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनती की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब दोनों भाइयों ने क्या किया, महात्मा जी को बोला कि ये भूमि तो कुछ बोलने वाली है नहीं, आप ही हमारा निर्णय कर दो। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। महात्मा जी ने कहा, क्या कहा कि हम क्या है इस भूमि से पूछ कर ही इसका निर्णय करते हैं। और यह कहकर उन्होंने क्या है भूमि के पास क्या अपना कान लगाया और सुनने का कुछ प्रयत्न कर रहे हो, जैसे ऐसे लगाए कुछ सुन रहे हो। कुछ देर तक वो भूमि के साथ कान लगाए रहे, वीर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, क्या बोले, गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। क्या बोला जो महात्मा जी थे वो क्या बोले कि यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है दोनों ही व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं। भूमि ने क्या कहा, महात्मा ने क्या कहा कि भूमि कह रही है कि दोनों ही व्यर्थ में मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर गया कि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। भूमि ने क्या कहा कि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, हाँ ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। दोनों महात्मा जी की बात सुनकर जो दोनों भाई थे वो क्या है लज्जित, यानी शर्म के मारे वो लज्जित लज्जा फिर क्या वो चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, लोहा गर्म देखकर चोट की, यानी ये मुहावरा आया है यहाँ पे, क्या आया है मुहावरा आया है। तो क्या है उन्होंने कहा कि मतलब उनको आप समझा, अच्छे से समझा, तनिक विचार करो, जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो क्या वह आज तक किसी की बनी है? तुम लोग जो तुम लोगों की बन जाएगी। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है पर यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए परंतु साथ क्या ले गए, कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ ही संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न तुम्हारी बनेगी। क्या कह रहे हैं महात्मा जी कि ये भूमि तो तुम लोगों की है ही नहीं,
तुम लोग वैसे ही फालतू में ही क्या है आपस में झगड़ा करें, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनी आज तक कि वो तुम लोगों की बन जाएगी। मनुष्य क्या है व्यर्थ में ही अपनी अपनी कहकर क्या है ये सोचता है कि ये मेरा है ये मेरा है, लेकिन मनुष्य का अपना कुछ भी नहीं है। जो बड़े बड़े छत्रपति राजा भी वे हैं वो भी अपना अपना कहकर चले गए, लेकिन उनका साथ कुछ नहीं गया, यानी उनका कुछ भी नहीं था। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ संसार से चले गए। हम लोग मनुष्य क्या है, मनुष्य का अपना कुछ भी नहीं है, वो जैसे खाली हाथ संसार में आया है वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चला जाएगा। तुम लोग भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करें और अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर तुले क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न तुम्हारी बनेगी। तुम ही भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं धन संपत्ति मकान आदि हैं इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। महात्मा जी ने क्या क्या कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो तुम्हारे, जैसे धन संपत्ति मकान कुछ भी हो वो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी तो क्या है अपनी वस्तु केवल भजन भक्ति, यानी भगवान का भजन भगवान की भक्ति तुम्हारे अच्छे कर्म है ही तुम्हारी अपनी वस्तु है, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक सवर जाएगा। महात्मा जी ने क्या कहा कि इन सब व्यर्थ की चीज़ों के लिए अपना जो है समय बर्बाद मत करो, और अच्छे कर्मों को अपने जीवन को क्या है अच्छे कर्मों और भगवान का नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा जो लोक परलोक है वो सवर जाएगा। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबक सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। ठीक है, ये सारा चैप्टर हो गया। एक बार सप्तार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में उद्यत, उद्यत का अर्थ है तैयार। स्वामी का अर्थ मालिक, स्वामित्व हक अधिकार। दलील देना, दलील देने का अर्थ क्या है बात रखना। परोपकारी का अर्थ दूसरों का भला करने वाला। सदैव का अर्थ हमेशा। संबोधित करने का अर्थ कहना। भद्र पुरुष मतलब भला आदमी। इसका है डटकर खाना यानी भरपेट खाना। मस्तिष्क, मस्तिष्क का अर्थ हो जाएगा दिमाग। तत्पश्चात यानी उसके बाद। निवृत्त होना, निपटाना, समाप्त करना। संपत्ति का अर्थ धन दौलत। मूल्यवान यानी कीमती। लोक का अर्थ या संसार। परलोक का अर्थ दूसरा लोक स्वर्ग। अपेक्षा यानी बचाए। ठीक है, ये सारे शब्दार्थ हैं, आपको कॉपी में फिल करने हैं।